तेरा मेरा रक्षाबंधन। साल की इसमें कोई गलती ना है, मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए। जाने दे इसे। हमेशा अपने भाई साहब के पीछे छुपी रहती है, भाई साहब की पूछ। हाँ हूँ, जब भाई साहब बड़े हो जाएंगे तो उनकी मूछ बन जाऊंगी, कभी नीचे ना होने दूंगी। हीरा है हीरा, गहरे में खुदाई तो करनी पड़ेगी। लूट लूंगी। और रही बात चकोरी की, चकोरी हवा है और हवा को जगह बनाने के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस ठाकुर सा का पता ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। एक बार ही आदमी हाथ लग गया ना तो जिंदगी भर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और फिर हम बैठ के खाएंगे और लेट के लुटाएंगे। बैठ के खाएंगे लेट के लुटाएंगे, अरे ऐसे ना हाथ लगने वाला। वो कोई तो सुराग होगा उस तक पहुंचने का, कैसे पता लगाऊं? पर आपने छोरी दी, छोरी पड़ेगी तो हजार सवाल ऐसे होंगे जो वो आपसे ना कर पाए। वो सवाल सिर्फ अपनी माँ से कर सके। जे मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। ठाकुर सा, आपकी नन्नी ससली तो आप तक पहुंचाएगी मन्ने, और फिर देखो निचोड़ ही डालूंगी। दोनों भाई बहन कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए हमेशा एक दूसरे का हाथ यूं ही पकड़ के रखना। अब जाओ यहां से, कहीं दूर चले जाओ। मैं अपने छोड़कर कहीं ना जाऊंगी बाबू साहब। शिवा चल रसू, जल्दी चल के पास चल। पता है पापू सा की आखिरी इच्छा क्या थी? कि तेरी आंखों से जो भी आंसू है वो खुशी का ना कि दुख का। आज के बाद तेरी आंखों में कभी आंसू ना आएंगे। वादा कर रसू, वादा कर। तन्ने पापू सा की सो। भाई साहब आप कहाँ हैं? रसू क्यों बेकार इतनी चिंता करती है हमारी? मालिक साहब जी के काम से आया हूँ। भाई खाते के साथ में कुछ ऊपर नीचे रखा था, बस ये निपटा के आ रहा हूँ ना, रखता हूँ। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आप चढ़ाएंगे क्या? आप बड़े हैं हमारे से। बैठ, बड़ी तो तू बन गई रे। इतना बड़ा काम किया तूने अपने भाई साहब की खुशी के लिए और मैं तन्ने समझ ही ना पाया। माफ कर दे मन्ने, बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। ना ना भाई साहब, कोई गलती ना हुई है आपसे। चकोरी को ना जीतने की आदत है। आज मैं तुझे खुली चुनौती देती हूं कि मैं तेरी बहन को हथियार बना के तेरे ही आंखों के सामने तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करूंगी और तू अपने बाप की तरह मेरे सामने टिक भी ना पाए।